हेलो देयर, स्पार्की इज हियर। सो गाइस, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, मतलब एक थियोरी वीडियो है ना। मैं बार बार ही गेम प्ले डालता रहूँगा तो ऑडियंस थोड़ी थोड़ा बोर हो जाएगी यार, इसलिए ये एक थियोरी वीडियो है। तो सबका अपना अपना फेवरेट पोकेमॉन होता है, राइट? तो मेरा भी कुछ फेवरेट पोकेमॉन है, लाइक जैसे कि किसके फेवरेट पोकेमॉन होता है, ये पिकाचू। यार पिकाचू किसी को पसंद नहीं है, हाउ क्यूट यार। तो और किसी का फेवरेट होता है ये कचरे का डिब्बा, इसकी डिज़ाइन को देखकर पता चलता है यार। और किसी का फेवरेट होता है ये मछली, ये मैजिक। ओ अंकल जी, ये मछली यहाँ पर कैसे आई? ओ बता, वो मछली बहुत ही उछल रही थी और उसे खा भी नहीं सकते ना बता, इसलिए वो कुछ काम की भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे फोटो में डाल दूँ। वैसे भी वो क्या ही करने वाले मछली भाई। ओ क्या? सो तुमने टॉपिक गेस कर ही लिया होगा। तो मैं बिफोर वीडियो स्टार्ट मैं आपको तुम सबको एक इमेज दिखाने वाला हूँ। अगर तुमने वो इमेज का मीनिंग गेस कर दिया तो वो चीज़ तुम्हें तुरंत करनी पड़ेगी यार। अगर तुम खाना खा रहे हो, या फिर तुम पोकेमॉन देख रहे हो, और या फिर तुम टट्टी और नहीं 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 ये मैं क्या बोल रहा हूँ यार। ठीक है, तुम तो मीनिंग समझ ही गए होगे। तो वो चीज़ तुम्हें तुरंत ही करने वाली है। क्या बोल रहा हूँ यार, करनी है। ओके तो गाइस, नंबर 5 पर आता है बिडूफ। तो गाइस, सबको पता ही है बिडूफ यार किसको भी पसंद नहीं है यार। कोई भी बिडूफ को बेचारे को टीम में नहीं लेता है। तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कि बिडूफ मैंने क्यों रखा है। तभी भी तुम ये इमेज बिडूफ की तो गौर से देखो यार, सिर्फ गौर से देखो। सो गाइस, नंबर 4 पर आता है गार्बेडोर। शायद गार्बेडोर, इसका मुझे कोई ट्रांसलेशन पता नहीं। तो जो तुम स्क्रीन पर इमेज दिख रही होगी वही है गार्बेडोर। यार मैं तुमको पहले ही बता दिया था कि गार्बेडोर कैसा पोकेमॉन है, तभी तो मैं फिर से बताता हूँ तुम सबको। तो गार्बेडोर की डिज़ाइन को देख कर ही हमें पता चलता है कि ये कैसा पोकेमॉन है यार। यार पोकेमॉन कंपनी को क्या ही हो गया यार, कुछ भी पोकेमॉन बनाते थे, कुछ भी यार। और इसका कोई लेता भी नहीं है, कोई पसंद नहीं रखता, क्योंकि एक कचरे की तरह दिखता है यार, डस्टबिन, एक कचरे का डस्टबिन। तो यार मैंने जो बोला है वो तुम्हें समझ आया ही होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। तो गाइस, नंबर 3 पर आता है लिकी लिकी। अरे गाइस, तुम्हें पता होगा कि ये पोकेमॉन कितना वेयर्ड है यार, और इसका प्री एवोल्यूशन तो तुमको पता ही होगा। इसका प्री एवोल्यूशन है लिकिटंक, और यह हमें जेन 1 में ही या जेन 2 में पता चल ही गया होगा यार। बार बार बस लिक ही करता रहता है, इतना क्यूट है यार। नहीं क्यूट नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना गोलू मोलसा है, पर बस लिख ही करते रहता है, कुछ काम ही नहीं होता यार इसका। और इसका जो इवोल्यूशन है लिकिटंक, जिसके हम बात कर रहे हैं, वो तो इससे भी वियर्ड है यार।
वो तो इतना मोटा लग रहा है और वो भी लिखी करता रहता है और बाउंस करता रहता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये मुझे पोकेमोन पसंद नहीं, मैं इनको नाम नहीं रखने वाला, पर तो यार होते हैं कुछ पोकेमोन जो हमें हेट करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पोकेमोन की तरफ। सो गाइस, नंबर 2 पर आता है वॉचक। तो वॉचक प्रॉबेबली हायर लिस्ट है, मतलब हायर है इस लिस्ट पे सबसे ऊपर, क्योंकि ये मेरी लिस्ट है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हम फिलहाल बात करते हैं वॉचक की। वॉचक एक कोई भी नहीं लेता यार वॉचक को, सबको पता है। और ये कितना वियर्ड लगता है यार, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वॉचक यार। बस मैं इतने बोल रहा चाहता हूँ कि इसको कोई भी नहीं लेता, इसको कोई पसंद नहीं करता नहीं यार। ये कैसा वियर्ड दिखता है और ये कैसे बस एक कॉम्बिनेशन करता है हिप्नोसिस का, बस वही यार ये है। यस, यही तो इसकी खूबी है यार। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले पोकेमोन की तरफ। सो गाइस, नंबर 1 पर आता है टायरोग। बेसिकली टायरोग के जो इवोल्यूशन है, हिटमोनली, हिटमोनचैन और हिटमोन टॉप। हिटमोनली और हिटमोनचैन ये दोनों भी बहुत ही पॉपुलर है पोकेमोन फायर रेड में, और हिटमोन टॉप ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसको कोई ज़्यादा यूज नहीं करता है। ये भी इस लिस्ट में हो सकता था पर मैंने इसे नहीं लिया। तो अब बात करते हैं इसके प्री इवोल्यूशन टायरोग। तो टायरोग को हमें पोकेमोन के एक एपिसोड में भी दिखाया गया था, वो नहीं था क्या, वो एक होता है जब फाइटिंग मास्टर होता है यार, उसके पास हिटमोनली और हिटमोनचैन होता है, वो टायरोग की मदद करता है और टायरोग बहुत ही पोकेमोन को परेशान करता है या फिर मदद भी करता है, ऐसा भी बोल सकते हो कि टायरोग जो है वो बहुत ही यार वियर्ड है, तुम्हें भी पता होगा। और ज़्यादातर पोकेमोन ट्रेनर्स यूज़ नहीं करते यार। और टायरोग जो मुझे दिखता है वो है एक वियर्ड बेबी पोकेमोन यार। और वो कैसा दिखता है, लाइक जब एक गुस्सेल आदमी तक दिखता है यार, एक एंग्री टीनेजर मैन, मतलब एक बहुत ही कम हाइट वाला एक एंग्री मैन, ऐसा रखता है यार टायरोग। सो गाइस, आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक में रखते नहीं रखेंगे, देखो तुम्हें कितना पसंद आती है देखते। और बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और टारगेट है 100 सब्सक्राइबर का, प्लीज़ यार कर दो यार, मैं कब से वेट कर रहा हूँ यार, 100 सब्स कर दो यार, बहुत ही मैंने प्लान किया है 100 सब्स पे। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं तुम्हें पहले से बता दूं कि ये एक रोस्ट वीडियो की तरह नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ, ये पोकेमोन बहुत ही वियर्ड है ना, ये सभी पोकेमोन किसको पसंद नहीं होती। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।